हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली जिले में 43 नए कोरोना संक्रमित मिले। पाली जिले में गुरुवार को 1785 सैंपल की जांच रिपोर्ट में से 43 कोरोना से संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। अब तक कुल 1731 कोरोना पॉजिटिव में से 1303 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान जिले में 410 केस एक्टिव हैं। जिले में अब तक 18 लोगों की मृत्यु कोरोना से हो चुकी है। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि गुरुवार को 43 पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें पाली शहर में 21, पाली ग्रामीण में 4, उपखंड रोहट में 3, सोजत में 4, देसुरी में 8 तथा उपखंड क्षेत्र जैतारण में 3 सैंपल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। गुरुवार को रिकवरी के बाद 53 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जिसमें पाली शहर से 14, पाली ग्रामीण से 4, रोहट से 1, सोजत से 7, रायपुर से 6, जैतारण से 1, मारवाड़ जंक्शन से 10, बाली से 6, सुमेरपुर से 1 तथा उपखंड क्षेत्र रानी से 3 व्यक्ति को रिकवरी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब तक कुल 1303 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर आ चुके हैं, जिसमें पाली शहर के 393, पाली ग्रामीण के 97, उपखंड रोहट के 74, सोजत के 112, देसूरी के 96, रायपुर के 55, जैतारण के 7, मारवाड़ जंक्शन के 60, बाली के 124, सुमेरपुर के 159 तथा उपखंड रानी के 73 व्यक्ति रिकवरी के बाद स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिले में गुरुवार को 1950 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से पाली शहर के 215, पाली ग्रामीण के 10, रोहट उपखंड क्षेत्र के 76, सोजत के 592, देसूरी के 67, जैतारण के 211, मारवाड़ जंक्शन के 193, बाली के 171, सुमेरपुर के 328 तथा रानी उपखंड क्षेत्र के 26 व्यक्ति के सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 410 एक्टिव केस हैं, जिसमें से पाली शहर के 137, पाली ग्रामीण के 14, उपखंड रोहट के 7, सोजत के 26, देसूरी के 45, रायपुर के 2, जैतारण के 24, मारवाड़ जंक्शन के 35, सुमेरपुर के 97 तथा उपखंड रानी के 3 कोरोना एक्टिव केस हैं। जिले में अब तक कुल 54,861 सैंपल लिए जा चुके हैं तथा 46,212 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव है। वर्तमान में 5,792 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि पाली जिला अस्पताल में 107, सोजत अस्पताल में 26 तथा विभिन्न कोविड केयर सेंटर में 264 मरीज वर्तमान में भर्ती। गुरुवार को 1785 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जिले में अब तक 28,648 प्रवासियों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 775 प्रवासी नागरिक पॉजिटिव आए हैं। जागरूक टीवी के लिए पाली से खास रिपोर्ट।